trunk. I'm a new Kali trunk. I'm not Kali trunk. I'm a new Kali. I'm a new Malayali. Rajni pola mask. I'm a baby dance. Full moves to the other. Queen Nadal moonwalk. I'm a ball of the booker. I'm a little in an art. I'm a little bit of a jet. I'm a little bit of a jet. I'm a little bit of a jet. I don't catch a fan. I'm just going to say, I'm a little bit of a jet. 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 I'm a little आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स ऑफ एशेज स्नोरलैक्स फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो चलो इसे जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। पर जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लाइक करना कंपलसरी है, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्या जाता है उसमें। तो चलो स्नोरलैक्स के फीट स्टार्ट करते हैं। तो स्नोरलैक्स का पहला फीट, इसने चार आइलैंड्स के सारे पेड़ों से फ्रूट्स खा लिए और इवन सारे पेड़ भी तोड़ दिए। तो इसका स्टैमिना तुम देख रहे हो इतना ज़्यादा है, और इन सबको खाने के बावजूद इसका पेट नहीं भरा था। और स्नोरलैक्स एक प्रोफेशनल एथलीट से भी ज़्यादा अच्छी तरह स्विमिंग कर सकता है, और इसके वजन से इतना सारा पानी आइलैंड पे आ गया था, तो कितना फास्ट तैर सकता है ये। तो स्नोरलैक्स बिना किसी अटैक के ही बस अपनी मूवमेंट से या फिर बस अपने हाथ हिलाने से किसी को भी अपने रास्ते से हटा सकता है, तो इसे ज़रूरत ही क्या है अटैक्स की। तो स्नोरलैक्स ने पूरी टीम रॉकेट के हर एक पोकेमोन को 1-1 हिट नॉक आउट कर दिया था। आरबोक, विक्ट्री बेल और इवन जैसी जेम्स और मियाउथ सब के सब इसके एक एक अटैक में गए। तो इसने बल्बसोर को उसके रेजर लीफ का सही इस्तेमाल सिखाया, और इसने दो दो या फिर उससे भी ज़्यादा पेड़ों को माचिस की तिल्ली की तरह तोड़ दिया। और चार आइलैंड्स पे ऑलमोस्ट 10,000 पेड़ तो होंगे और या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, और स्नोरलैक्स ने हर एक पेड़ को तोड़ दिया एक एक को। तो स्नोरलैक्स ने बल्बसोर की वाइन विप मसाज का पूरा एंजॉय लिया, और बल्बसोर की वाइन विप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसने कि ऑलमोस्ट 150 किलो के रायहोन को घुमा दिया था। तो छोटे पोकेमोन्स के अटैक तो स्नोरलैक्स के लिए मसाज है। स्क्वर्टल एक्यूपंचर, स्कल बैश कितना पावरफुल था, और स्नोरलैक्स पे बिल्कुल डैमेज नहीं डाला उसने। तो स्नोरलैक्स ने स्टायू की डबल एज का पूरा मजा लिया, एक सिंगल खरोच तक नहीं, कितना पावरफुल है इसका डबल एज। और तो पेश है लिकीटंग नैपकिन, जो कि मुंह साफ करने के लिए बहुत अच्छा उपयोगी है, और लिकीटंग की जबान हर पोकेमोन को बस एक टच में पैरालाइज कर देती, स्नोरलैक्स का कुछ नहीं कर पाई। तो स्नोरलैक्स ने पिकाचू के थंडर बोल्ट का कॉफ़ी की तरह यूज़ किया, यानी कि जागे रहने के लिए, इसे आलस आ रहा था इसलिए अपना आलस खोला इसने थंडर बोल्ट से। ये भालू मांसाहारी है और साथ ही साथ बेशरम भी। तो इसने गोल्डीन, ग्लूम इन दोनों को खाने की कोशिश की है, और बेशरम तो इतना है कि इसके ट्रेनर भूखे रह जाए, पर ये जरूर खाएगा उनसे छीन कर। तो स्नोरलैक्स एक एक्स्ट्रा सॉफ्ट और एक्सल चलता फिरता बैड है, क्योंकि इसको मेरे को लगता है पोकेमोन वर्ल्ड के लोग बिस्तरे की तरह यूज़ करते होंगे, क्योंकि इसकी कितनी सॉफ्ट है स्किन। तो स्नोरलैक्स ने मैका म्याउथिनेटर के बहुत सारे अटैक्स डोज किया है, और ये मैका म्याउथिनेटर कितना फास्ट था इसके लिए तो मैं फीट्स ऑफ पिकाचू वाली वीडियो देखनी चाहिए जो मैंने लास्टली बनाई थी। तो एश का स्नोरलैक्स हर एक फिजिकल अटैक को डोज कर सकता है, इसको सिर्फ वही पोकेमोन हिट कर सकता है जो कि इससे फास्ट हो। तो स्नोरलैक्स डोजिंग में तो फास्ट है ही, लेकिन भागने में भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ऑलमोस्ट एश जितनी स्पीड है इसकी भागने में। तो म्याउथ ने इतनी तेज रॉकेट के साथ मेटल हेड मारा इसके सर पे, और उससे जस्ट इसकी थोड़ी सी खुजली हुई, तो ये तो पॉपकॉर्न है इसके लिए। तो अपनी आंखों के स्क्विंटी डिज़ाइन की वजह से स्नोरलैक्स की आई साइड काफ़ी वीक बनाई गई है, इसलिए ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकते, लेकिन तब भी इसने प्रॉपर परेशान किया ऐश को। तो स्नोरलैक्स की बाइट फोर्स थोड़ी सी कमज़ोर है, क्योंकि ये सिर्फ खाने पर ध्यान देता है, और इसे बाइट अटैक वैसे भी नहीं आता, इसीलिए ये प्लास्टिक को नहीं तोड़ सकता अपने मुँह से, और रोने लग जाता है। तो जनरेशन वन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रास टाइप अटैक सोलर बीम स्नोरलैक्स को जस्ट उसकी नींद से ही उठा पाया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया उसका। तो स्नोरलैक्स ने आराम से इस राइडोन को रोक लिया, जो कि नॉर्मल राइडोन से 3 गुना बड़ा था। ये एपिसोड तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें पता चल जाएगा कितना बड़ा था ये राइडोन। और इसको उठाकर स्नोरलैक्स ने इतनी तेज फेंका मेगा पंच से, तो एक नॉर्मल राइडोन का वेट 120 किलो होता है, और ये उससे 3 गुना बड़ा था, तो इसका वजन ऑलमोस्ट 400 किलो था, तो स्नोरलैक्स बहुत अच्छे। तो एश के सारे पोकेमोन अपने सबसे पावरफुल अटैक्स यूज़ कर रहे थे, और तब भी स्नोरलैक्स को एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं आई, और इवन नीम से भी नहीं उठाइए। तो एक सुमो टूर्नामेंट जिसमें कहा गया था कि सिर्फ 80 किलो से ज़्यादा वजन वाली पोकेमोन भाग ले सकते हैं, और स्नोरलैक्स का तो 500 किलो था, इसलिए इसने माचैम्प को और पोली व्रैथ को दोनों को 1 हिट के ओ कर दिया। तो स्नोरलैक्स ने इजीली अपने आप को फ्रैलीगेटर के अटैक से बचा लिया, और इवन अपनी एक सांस से अपने पेट को फुलाकर फ्रैलीगेटर को बहुत दूर फेंक दिया, और फ्रैलीगेटर से पिट लिया वो थोड़ी सी अलग बात है, और ये फ्रैलीगेटर वैसे वीक तो नहीं था, इसने 500 किलो के स्नोरलैक्स को उठाकर पटक दिया, दम तो था इस बंदे में। और स्नोरलैक्स ने अपनी लैंडिंग से ही पूरे के पूरे स्टेडियम को हिला दिया, जो कि ऑलमोस्टली 500 मीटर स्क्वायर का था। तो स्नोरलैक्स का पेट बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, इस पर कोई अटैक काम नहीं करता इसके पेट पे।
तो ऐश का स्नोरलैक्स हर एक बैटलफील्ड पे पूरी तरह से कंपैटिबल है, किसी भी जगह पे लड़ सकता है, किसी भी जगह पे, पानी हो या जमीन। तो स्नोरलैक्स का शरीर तो ड्यूरेबल है लेकिन फेस है इसका वीक स्पॉट। इसके फेस पे अटैक लगेगा तो ये जरूर डैमेज होगा। इसके फेस पर ही हमला किया और क्लेयर ने बार बार, और लास्टली हाइपर बीम के साथ ये फेस पे नॉकआउट हो गया। और ऐसा ही तुम गैरी वर्सेस ऐश की फाइट में सीजोर के खिलाफ दे सकते हो। सीजोर ने शरीर पे हमला किया तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही एक फेस पे मारा वैसे ही स्नोरलैक्स जीत। तो स्नोरलैक्स का फेस पे अगर अटैक पड़ेगा कोई जोरदार तो वो ऑब्वियसली हार जाएगा। और स्नोरलैक्स की एक और प्रॉब्लम, ये सिर्फ एक मुकाबले में 4 हाइपर बीम कर सकता है और हर हाइपर बीम पिछली वाली से कमजोर होती है, सबसे पहली सबसे पावरफुल होती है, और 4 हाइपर बीम के बाद ये हाइपर बीम कर ही नहीं पाएगा। तो स्नोरलैक्स ने इतनी पावरफुल नीडो क्वीन की डबल हिट, जो कि सुपर इफेक्टिव अटैक है इसके ऊपर, वो सह लिया। और तुम देख सकते हो नीडो क्वीन की स्ट्रेंथ कितनी थी। और जैसा कि मैंने कहा, शरीर पे कुछ भी अटैक करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और सबसे पहली हाइपर बीम सबसे पावरफुल होती है, और ये आर्कनाइन शिकार हो गया उस पहली हाइपर बीम का। तो स्नोरलैक्स ने एक टक्कर में टीम रॉकेट की इतनी बड़ी मशीन गिरा दी, और तुम देख सकते हो कि उस मशीन का साइज क्या था स्नोरलैक्स के मुकाबले। और अगर स्नोरलैक्स 500 किलो का है तो ऑलमोस्ट ये मशीन 5 टन से भी ज़्यादा की थी। तो स्नोरलैक्स की स्ट्रेंथ तो भाई सबसे ज़्यादा हो गई है। तो स्नोरलैक्स ने इतने लंबे रास्ते तक घसीटना और उसके बाद ऑलमोस्ट 8 बिल्डिंग ऊंची जगह से गिरना, ऑलमोस्ट भी 80 फीट ऊपर से गिरना आराम से सर्वाइव कर लिया। और ऐश के स्नोरलैक्स ने ड्रीम हीटर अटैक को भी काफ़ी आसानी से सह लिया हिप्नो के, और उसे जस्ट एक अटैक में नॉकआउट कर दिया। तो ऐश का स्नोरलैक्स में भी टोबायस के डार्क राय को अकेला हरा देता। और फीट्स यहाँ पे कहाँ खत्म होते हैं, ऐश ने स्टीलिक्स को जस्ट एक आइस पंच में नॉकआउट कर दिया। तो स्नोरलैक्स ने हरियामा के आर्म थ्रस्ट को बहुत अच्छी तरह ब्लॉक किया, इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव था तब भी। और अगर हम अलोला के हिसाब से देखें तो पोकीडेक्स ने बताया था कि ये हरियामा एक हाथ से 10 टन के ट्रक को उड़ा सकता है, इतना ताकतवर होता है हरियामा का हाथ। तो स्नोरलैक्स ने फोकस पंच, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग टाइप अटैक था ऑलमोस्ट जैन 6 तक, और हाई जंप किक, जो भी ऑलमोस्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, उन दोनों को आराम से सहाया। तो अगर ये इतने पावरफुल अटैक से नहीं होता फेंट तो कोई भी फाइटिंग टाइप अटैक से फेंट नहीं कर सकता। तो स्नोरलैक्स ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी फाइटिंग टाइप को बिल्कुल ओवरकम कर लिया है। तो स्नोरलैक्स तो भूल जाओ, किसी भी अटैक से फेंट होने वाला है। और स्नोरलैक्स ऐश का एक ऐसा पोकेमोन है जिसे एक रिकवर अटैक आता है रेस्ट, जिससे कि ये आराम से सो सकता है और फिर सारी HP वापस आ जाएगी इसकी। तो स्नोरलैक्स अपनी हाइपर बीम की वजह से उड़ भी सकता है, और इसका बॉडी स्लैम अटैक इतनी ऊपर से गिर के बहुत तगड़ा होगा। तो स्नोरलैक्स ने अपनी वीकनेस को आराम से ओवरकम कर लिया, क्योंकि मैगीटाइट बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में फोकस पंच मारता है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग टाइप मूव उस टाइम तक का, वो भी बहुत स्पीड में। तो और वो भी फेस पे मारा, देखो तुम। और अब इतने स्ट्रॉन्ग फाइटिंग टाइप अटैक से फेस पे फेंट नहीं हुआ तो इसकी फेस की प्रॉब्लम तो मान लो खत्म ही हो गई अब। तो डिक्लेरेशन टाइम, ऐश का स्नोरलैक्स ऐश का सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल पोकेमोन बन चुका है अब, अगर मैंने इसके अच्छी तरह फीट्स देखे तो इसने इन्फर्नेप को हटा दिया ड्यूरेबिलिटी में से, और इसने 5 टन की मशीन को पीछे धकेल दिया, तो इसने स्ट्रेंथ में चाइजार्ड को पीछे धकेल दिया। और स्नोरलैक्स ने हरियामा, मैरीडाइट, मैका म्याउथिनेटर, इन सब के बहुत ज़्यादा फास्ट अटैक्स से बचा है, तो इसकी डोजिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये ऑलमोस्ट हर अटैक से इम्यून है, इसे कोई अटैक कुछ नहीं कर सकता, और ये मेरे हिसाब से किसी भी अपोनेंट को हरा सकता है अगर इसके सामने जस्ट खाना रख दो। तो ऐश के स्नोरलैक्स के अटैक बहुत अच्छे हैं, ऐश के स्नोरलैक्स की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, डोजिंग सब कुछ सबसे अच्छी है, और ये खाने के लिए किसी को भी हरा सकता है। और अगर स्नोरलैक्स का एक्सप्लेनेशन देना हो तो ये एक 2 टन के डायमंड के गोले जैसा है, क्योंकि इसका तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ भी कर लो। और मेरे हिसाब से अगर ये अपने फेस को अच्छी तरह बचाना सीख ले तो ये ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है, फिर इसे हराने का दम किसी में नहीं है, इवन ग्रेनिंजा तक मेरे को नहीं लगता इसे हरा पाएगा। और ग्रेनिंजा की बात आई गई है तो मेरी ग्रेनिंजा के फीट्स वाली वीडियो भी देख लेना अगर तुमने ये देखी है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब वाला, बाय बाय।